गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट चितापुर तालुका में मौजूद खदीम कब्रस्तान की हालत खराब देख सोशल एक्टिविस्ट इब्राहिम हजरत अली लगातार डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को शिकायत कर रहे हैं, पर वक्फ बोर्ड इस कब्रस्तान को सुधारने के बजाय इस मसले को नजरअंदाज कर रहा है। इब्राहिम हजरत अली ने अपनी शिकायत में कहा है, चितापुर के कब्रस्तान में बाउंड्री वॉल न होने से कई नशेबाज यहाँ दारू गांजा पी रहे हैं और कब्रस्तान में टॉयलेट कर गंदगी फैलाई जा रही है। सवाल ये उठता है कि कब्रस्तान में जहाँ कई मुसलमान दफन हैं, वहाँ रोजाना इतनी गंदगी वक्फ बोर्ड की नज़र में अब तक क्यों नहीं आई, और सोशल एक्टिविस्ट के शिकायत के बावजूद सफाई ना करना वक्फ बोर्ड ऑफिसर की काहिली नजर आ रही है। सोशल एक्टिविस्ट इब्राहिम हजरत अली ने बताया, कुल कब्रस्तान की 9 एकड़ जमीन है जिसमें इलीगल दुकानें और कब्रस्तान के बीच से रोड बनाई गई है। इस मामले में न जाने कितने लोग करोड़ों रुपया हजम कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह के नाम होती है और सबसे ज्यादा चोरियां इसी जमीन में की जा रही हैं। खुद को मुसलमान कहने वाले मुनाफिक अवाम के बीच शराफत का चोला पहनकर घूमते हैं जो वक्फ की जमीन हजम कर चुके हैं। चाहे वो वक्फ बोर्ड ऑफिसर हो या किसी इदारे की कमेटी का जिम्मेदार, जिसने भी वक्फ की जमीन का थोड़ा सा हिस्सा चोरी किया हो उसका अंजाम बुरा जरूर होगा। चितापुर के कब्रस्तान में लोग टॉयलेट कर रहे हैं, दारू गांजा और दीगर गलत काम यहाँ हो रहे हैं और इसको रोकने वाला कोई मौजूद नहीं है। इब्राहिम हजरत अली ने वक्फ बोर्ड से डिमांड किया है, जल्द कब्रस्तान की सफाई कर बाउंड्री और गेट लगाया जाए और न्यू कमेटी तश्कील देना बेहद जरूरी है, वरना कब्रस्तान की हालत बस से बदतर होती जाएगी। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। कब्रस्तान की जो बाउंड्री वॉल को तोड़कर अब इनका कहना होता है कि 2009 में मास्टर प्लानिंग में बाउंड्री वॉल को गिराया। तो मैं पूछता हूँ कि मास्टर प्लानिंग में अगर बाउंड्री वॉल गिराया गया है तो वक्फ की प्रॉपर्टी में बगैर नोटिस के तो आपको उन्होंने कितना कुछ तो नोटिस दिया होगा, और मेरे नक्शे के हिसाब से मेरे आरटीए जो मारा हूँ मैंने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन उस पेपर के मुताबिक जो है हमको वक्फ बोर्ड ने कह रहे हैं कि 9 एकड़ करीब करीब ये जमीन है और पूरा नक्शे के हिसाब से उसमें दुकानें नहीं है। तो ये दुकानें आपने क्या बेस पर बनाया और बाकी की जगह कहाँ गई, और जो जगह पर दीवार थी सर्वे प्लानिंग है मास्टर प्लानिंग के बाद वही जगह पर दीवार आ गई है, वही जगह पर बाउंड्री वॉल है पुरानी, कई जगह पर तोड़कर दुकानें बनाई गई। हमको ऐतराज उस चीज का नहीं, हमारे को ऐतराज यह है कि अगर ये लाखों रुपए अगर ये हमारे कौम को लगता है चितापुर के अंदर एक मदरसा अच्छे से अच्छा एस्टैब्लिश कर सकते, दीनी इदारा एस्टैब्लिश कर सकते, यतीमों की मदद कर सकते थे, विवाहों की मदद कर सकते थे, ये पैसा कहाँ गया? ये मेरा डिमांड है कि ये पैसे को भाग लाओ और ये पैसा हमारे कौम को ला। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिस में उन्होंने आरटीआई का जवाब दिया है मुझे कि कमेटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। बाद में जब हमारा फर्स्ट हेयरिंग होता है तो फर्स्ट हेयरिंग में डिलाई बरते हमको, पहला हेयरिंग कैंसिल कराया, दूसरे हेयरिंग तक उनको आवर तो भी पेपर आ गया मुझे आपने की भाई कमेटी रजिस्ट्रेशन पहले थी लेकिन बैंगलोर से थी, तो बैंगलोर से थी होगी तो क्या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? इसका होना चाहिए ना, तो इसके दस्तावेज कहाँ? ये मेरा डिमांड उनको पूछना। इन्होंने हेयरिंग में हमको आफिफ शर्मा साहब चेयरमैन साहब जो है इन्होंने और वक्फ ऑफिसर जो हजरत अली नजार साहब है इनका कहना है कि हम आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे, पूरा पूरा हेल्प करेंगे, आप जो सच्चाई है वो पूरा लाकर सामने सच्चाई पर हम काम करेंगे। मैं पूछता हूँ आज 1 साल हो गया क्या काम किया? 1 साल अनकरीब होने को आया, 1 महीना कम है, आपने क्या काम किया? जो गैर तरीके से इलीगल एक्टिविटीज कर जो वहां पर किस तरीके से एक्टिविटीज की है उनके ऊपर ना आप अभी तक सख्त कार्रवाई किया, और उसके ऊपर जो हमने डिमांड किया था कि भाई कब्रों के ऊपर जो बड़े बड़े झाड़ उठे वसीम भाई आप देखेंगे तो अफ्रीका का जंगल घना जंगल दिखेगा, उतनी कब्रस्तान के बीच बाजार में जगह है, वो कब्र जो खतीब लोग जो कब्रस्तान होते हैं कि भाई हमारी जगह ये है, पुराने जो गांव के लोग हैं वो बोलते हैं हमारे लोगों को यहीं दफनाया जाता है, वहां जाने तक की पैर रखने तक की जगह नहीं। ये हमारा डिमांड है कि जल्द से जल्द कब्रस्तान को अच्छी तरीके से जो झाड़ वगैरह है वो निकाला जाए और बाउंड्री वॉल को अच्छे से बनाया जाए, और 2 भाग में जो कब्रस्तान हुआ है वो 1 भाग और वो 1 भाग दोनों साइड जो हुआ है उसका जो है दोनों तरफ गेट बनाया जाए लोगों को आने जाने के लिए, और साथ ही साथ जो बीच का रोड निकाला गया है उसका कंपनसेशन हमको वक्फ बोर्ड को दिया, ये मेरा डिमांड है। और जो पुरानी कमेटी जो इलीगल तरीके से एक्टिविटीज की है उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, 6 महीना पहले जो बाउंड्री वॉल जो इन्होंने तोड़ा, बाउंड्री वॉल इसलिए तोड़ा यही कमेटी के लोग और कुछ लोग इनके साथ इन्होंने इसलिए तोड़ा क्योंकि हेयरिंग जब हो रहा था वसीम भाई हमारा हेयरिंग में अभी शर्मा साहब और वक्फ बोर्ड के जो हजरत अली नजार साहब जो ऑफिसर है इन्होंने उनको कहा था कि हम विजिट करेंगे, अगर इनके जो एलिगेशन है वो एलिगेशन अगर हमारे को दिखे तो हम आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
वो अपने एलिगेशन को मिटाने के लिए बाउंड्री वॉल तोड़कर जेसीबी कब्रों के ऊपर चला है, उसका वीडियो को डालना है। तो ऐसा इनके सामने जब हमारे सामने हुआ तो मैं तुरंत जो है अगले दिन सबको फोन लगा, उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। हमेशा फोन रिसीव करते थे लेकिन उस वक्त फोन रिसीव नहीं क्यों किए, चार फोन मैंने किया, चारों फोन में रिसीव नहीं किया। मैंने मैसेज किया उनको इस तरीके से यहाँ पर इनलीगल एक्टिविटीज हो रही है, आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लीजिए, हम पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट करने शिकायत करने आए। और पीएसएच आपका कहना है कि अगर वक्त के जिम्मेदार अगर हमको कॉल करेंगे तो हम लीगल एक्शन इसके ऊपर लेते हैं। हजरत अली नजाब साहब ने हमारा मैसेज भी पढ़ा और हमारे को कॉल तक नहीं किया, तो मुझे सीधा सीधा डाउट होता है हजरत अली साहब के ऊपर, सीधा सीधा डाउट होता है क्यों नहीं किया आपने कॉल। और हबीब शर्मा साहब को मैंने कॉल किया तो हबीब शर्मा साहब ने मेरा कॉल का जवाब दिया, उन्होंने बोला इब्राहिम साहब मेरी जो भी हेल्प लगेगी आपको मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ, अगर इस तरीके की वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज हुई है आप जाइए पुलिस स्टेशन मुझे पीएसएस से बात, और पीएसएस साहब चेयरमैन साहब से बात की। लेकिन जो ऑफिसर है इन्होंने इस तरीके इनके इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। तो मैं समझता हूँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी वक्त प्रॉपर्टी आज जो इस तरीके से जो कब्जा होकर बैठी है लोगों ने अनगिनत जगह पर, मैं तो एक शायद मैं बोलने बैठूँ तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा, इतने केसेस है। तो ये वर्क ऑफिसर जो है हजरत अली नेता साहब इनको जूं तक नहीं रेंगे, तो ऐसे ऑफिसर हमें नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से जो ऊपर बैठे जो अपराइज पर्सन है उन तक मेरा ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, संदेश देना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऑफिसर की हमें जरूरत नहीं है। वहाँ पर हमने आपको देखा हाल है, मैं आपको वीडियो भी सेंड करूँगा, वहाँ पर कुछ लोग जो है गैर इवेंट कराना भी ऐसा हो जाएगा कल के दिन इशू बन जाएगा और झगड़े हो जाएंगे दो समुदाय, ऐसा सिचुएशन वहाँ आकर बैठा हुआ कभी भी वो सिचुएशन क्रिएट होगा। इसलिए मैं बार बार रिमांड कर रहा हूँ, बार बार फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ पर लोग इलीगल तरीके से नशापड़ी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है बस जानवर अंदर जाकर खरीदार कर रहे हैं, तो उनको तो हमने खुला रास्ता दिया है जाने के लिए और गलती तो हमारी। तो इसलिए मैं वर्कबोर्ड से यही जिम्मेदार लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ, इसमें तो मैं समझता हूँ आपने जो रिकॉर्ड किया हमको तो उसका अभी तक का आपने जवाब नहीं दिया, रिकॉर्ड तो हुआ है तो वहाँ पर है ना, लेकिन मैं समझता हूँ 1-1.5 लाख का भी काम नहीं होगा, उसमें आप क्यों लापरवाही बरत रहे, क्यों ढिलाई बरत रहे, या कोई ऐसा इंसिडेंट के लिए आप रुके हो कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए जब हम करें। छिकापुर की आवाम जो सब्र से आज तक जो सब्र कर रही है इसलिए कर रही है और साथ साथ इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि भाई वर्कबोर्ड हमारी प्रॉपर्टी है, वर्क हमारी प्रॉपर्टी है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये अल्लाह की राह में खैरात की हुई प्रॉपर्टी है, ये उनको भी समझ है जो जिम्मेदार बैठे, बस ये सब्र कर रहे हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है वर्कबोर्ड पर, पूरा भरोसा है कि करेंगे। हबीब शर्मा साहब से पूरा मेरा उम्मीद है, हबीब शर्मा साहब ने जो मुझे वादा किया है उन्होंने बोला है इब्राहिम साहब हम बिल्कुल आपके हाथ में जो सही है वो करेंगे, और मैं उसी उम्मीद पर अभी भी चुप बैठा हूँ और रिमांड पे रिमांड लेटर देता रहा फॉलो कर रहा हूँ। और साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से उसी में हमारे जो शासक है सीतापुर के जो प्रेम खड़गे साहब है उन तक एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ। देखिए साहब प्रेम साहब मैं आपको दिल से मैं आपका एक फैन हूँ, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, चाहता हूँ इसलिए नहीं कि आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, इसलिए क्योंकि आपका एक नेचर मुझे बहुत पसंद है। और साथ साथ में आपको मैं अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ साहब, कांग्रेस पार्टी को मुसलमान इसलिए वोट नहीं देता है कि छिकापुर के कई 4-5 गिने मुने चेहरे के वजह से आपको वोट देता है, ऐसा नहीं है। छिकापुर के हो या अदर कहीं भी मुसलमान आपको अगर वोट दे रहा है कांग्रेस को, तो जो बलिदान हमारे लोगों ने कांग्रेस के लिए दिया है, जो देश के लिए दिया है कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, अभी मैं नाम गिनाने जाऊँ तो बहुत लोग है, तो वैसे लोगों के लिए हमारी कौम जो है आपको वोट देती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, विनंती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस छिकापुर का मसला आपके लिए कोई बड़ा नहीं है, इसको जल्द से जल्द क्रिएट करें। और छिकापुर के साथ साथ हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ कहीं भी वक्त की प्रॉपर्टी इस तरीके से कोई किसी ने कब्जा किया है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो रही है, तो उस पर लीगल एक्शन लेकर वहाँ पर जो उचित कार्रवाई होती है लीगल एक्शन होता है आप जल्द से जल्द लीजिए। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hadraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.